नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और टीवी नाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ जुड़ रही है ब्यूटीफुल खूबसूरत एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी। आकांक्षा, टीवी नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू टीवी नाइन फॉर हैविंग मी विथ यू। यस, यू नो डेंजरस लव में लोगों की धड़कनें जो है वो तेज कर रही है। आप काफी अच्छा सॉन्ग चल रहा है, काफी पसंद आ रहा है, तो उसके बारे में पहले जानना चाहेंगे। See, I think dangerous, काफी dangerous response आया है dangerous को and people are loving me and they're loving my looks and my attitude in the song. मुझे बहुत सारे compliments मिल रहे हैं and I think श्रेय और मेरी एक एक lucky है हम दोनों एक दूसरे के लिए। जब भी हम कुछ करते हैं काफी viral हो जाती है वो चीज। तो हमने 4 साल पहले जहां तुम हो किया था, अहमद खान सर ने डायरेक्ट किया था, इस बार ये गिफ्टी सर ने डायरेक्ट किया है एंड ये कोलैबोरेशन आई थिंक हिट है एंड लोगों को पसंद आता है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी दैट पीपल आर लविंग मी एंड टीवी के बाद वो काफी अलग अलग चीजों में देख रहे हैं मुझे। मेरा भी हरे कृष्णा सॉन्ग आया था, वो लोगों को बहुत पसंद आया जो टी सीरीज के साथ था, पलक का सॉन्ग था वो। एंड अब इसमें मेरे ये वाला एटीट्यूड भी लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे सारे शेड सबको पसंद आते हैं। राइट, और आकांक्षा, स्टाइलिंग लोगों को काफी पसंद आती है, लुक्स आपके जो भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं, तो उसमें आपका मतलब कितना आउटपुट होता है? मैं काफी इन्वॉल्व रहती हूँ एंड मेरा एक आई मेक श्योर कि मेरे जो लुक्स आए, बिकॉज यू नो ये सॉन्ग्स, ये सिंगल्स ही कुछ ऐसे होते हैं 2.5 से 3 मिनट के सॉन्ग्स होते हैं जिसमें आप काफी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड अगर कुछ बाय चांस गलत हो भी किया तो इट्स ओके। सॉन्ग है एंड लोग आप अपनी एक्टिंग से और जो दूसरी चीजों से निकाल सकते हो। तो आई थिंक मुझे बहुत मजा आता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने में एंड कुछ चीजें होती है, मैं काफी स्टडी करती हूँ, कुछ लुक्स मैं कहीं देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मुझ पे अच्छे लगेंगे, ये मुझे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड डायरेक्टर सर काफी इन्वॉल्व थे, वो सेट को लेके काफी क्लियर थे कि इस सेट पे मुझे थोड़ा सा वाइल्ड लुक चाहिए, इस पे मुझे थोड़े से हेयर टाइड अप वाला। तो उन्होंने एक मुझे एक ब्रीफ डेफिनेटली दिया था जिसके अराउंड हमने प्ले किया और उनकी टीम थी। बट येस आई लव टू एक्सपेरिमेंट और आगे भी कुछ मेरे जो शूट्स होंगे आई वुड लव कि मैं ऐसे ही अलग अलग स्टाइलिंग, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू हाउ आई लुक, हाउ माई हेयर इज, हाउ माई फेस इज लुकिंग। मेरे इनफैक्ट लेंसेज के कलर्स भी मैंने तीनों लुक में चेंज किए हैं एंड कुछ नया ट्राई किया है। ब्लू लेंसेज मैंने ट्राई किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने व्हाइट आउटफिट में पहनी है एंड लोगों को अच्छी लग रही है कुछ चीजें। तो लेट्स सी, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है एंड या आगे भी करती रहूंगी। ओके, सो सवाल कुछ फैंस ने पूछे है इसी सॉन्ग के रिलेटेड। दो सवाल है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे, वो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो लव लव आकांक्षा के लिए क्या है? क्या लव डेंजरस है या किस तरह से है? पहले तो इट्स लक, सॉन्ग में तो इट्स लक तेरा डेंजरस एंड लक मींस बट। सो यू नो आई रियली फील इट्स अबाउट द बॉडी कि आपके कर्व्स, आपका लक बहुत डेंजरस है और मुझे लगता है कि मेरा लक, मेरी बॉडी है डेंजरस एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं अपने कर्व्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एंड मैं काफी कॉन्फिडेंटली इन चीजों को फ्लॉन्ट भी करती हूँ एंड आई थिंक यस आई वुड लव टू कंटिन्यू डूइंग दैट। एंड लव, लाइक यू सेड, लव तो डेफिनेटली डेंजरस होता ही है एंड सबसे डेंजरस बात होती है दैट लव एंड्स एंड सो यस आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज डेंजरस More than the luck being dangerous. Right. और आकांक्षा लवर कैसी है? आकांक्षा लवर डेंजरस है या आकांक्षा लवर किस तरह की है? I think आकांक्षा is like 100% lover and मैं काफी giving में believe करती हूँ। I'm a giver and मेरी expectation कम होती है। I feel कि जिसके साथ मैं हूँ उसकी लाइक यू नो उसकी जुबान पे आने से पहले उसे, अगर उसके यहाँ पे आए तो उसके यहाँ पे होनी चाहिए। ये मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स से कहती हूँ कि इफ ही वॉन्ट समथिंग बिफोर ही कुड आस्क फॉर, ही शुड हैव दैट थिंग। एंड इसकी मेरे लिए स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पार्टनर की, लाइक यू नो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, काफी इमोशनल होती हूँ मैं इन चीजों को लेके। मेरे लिए मेरे पार्टनर की हैप्पीनेस, उसकी खुशी से बढ़कर फिर कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ काफी, मैं एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखती, मैं नहीं सोचती कि मैं ये दे रही हूँ तो मुझे भी इतना मिले प्यार में, मैं वो नहीं। आई स्टिल एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग सो बिकॉज वो मेरी पर्सनालिटी है एंड ऐसी ही हूँ मैं, ऐसी ही है आकांक्षा पुरी। मैं अपने हर रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, फ्रेंडशिप में, प्यार में, सब में ऐसी ही हूँ। अपने स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ, मुझे लगता है एक फैमिली है और वैसे ही रहना चाहिए। आई बिलीव इन गिविंग एंड आई थिंक मुझे और कोई तो नहीं बट ऊपर वाला देख रहा है एंड मैं खुश रहना चाहती हूँ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ
ऐसी ही रखूंगी और ऐसी ही रहूंगी, आई डोंट वांट टू चेंज. यस, और मैंने आपसे मिली भी हूँ, मुझे पता है आप असल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो. यस, हमारे सूत्रों से ये भी पता चला है कि एक जल्द ही वेब शो आने वाला है जहाँ पे आप भी काम करने वाली हो, जहाँ पे फाइनेस्ट एक्टर्स जिसे बोल सकते हैं रणदीप हुड्डा हो, महेश मांजरेकर, इंस्पेक्टर अविनाश में आप नजर आने वाली हो, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, कैसे चल रहा है वो शो? जी, शूट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मेरा सिर्फ एक सॉन्ग पेंडिंग है और मेरे कुछ 3 से 4 सीन्स पेंडिंग है, तो आई थिंक एक हफ्ते का शायद उससे भी कम डेज का काम बचा है, एंड बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है. मेरे सारे के सारे सीन रणदीप हुड्डा के साथ ही थे एंड उन्हीं के साथ मैंने शूट किए अपने सारे शॉट्स. बहुत मजा आया मुझे, एक अमेजिंग लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये जो मैं हमेशा याद रखूंगी. काफी कुछ सीखा एंड लाइक यू नो अपना डेब्यू ऐसे फाइनेस्ट एक्टर के साथ करना, आई थिंक सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो आई थिंक आई शुड थैंक माय स्टार्स की शो के बाद में अपना डेब्यू OTT में इतनी जल्दी कर रही हूँ और इतनी सारी चीजों के साथ कर रही हूँ. सो टू टेल यू, मैं ऑलरेडी सेकेंड सीरीज का शूट स्टार्ट कर चुकी हूँ जो की Amazon Prime की सीरीज है, जो इतनी ही बड़ी टीम के साथ है, इतने ही फाइन एक्टर्स हैं उसमें. सो आई एम लकी यार कि बैक टू बैक बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मेरी सीरीज आएंगी और आई डोंट नो कौन सी पहले रिलीज होगी बिकॉज दोनों साइमल्टेनियसली मैंने आगे पीछे साइन किए, आगे पीछे शूट किए हैं एंड ऑलरेडी थर्ड इज ऑलरेडी इन माई किटी. सो आई थिंक आई एम लकी, काफी चीजें टच वुड बैक टू बैक हो रही हैं. सो दिस ईयर आई थिंक इज माई ईयर मे बी, एंड OTT बहुत कुछ होने, लॉट हैपनिंग ऑन OTT दिस ईयर. राइट, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि आप बतौर पार्वती वापस एंट्री कर रहे हो शो में, तब आपके फैंस काफी खुश थे, बट बेचारों को उस बारे में डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि अभी अभी शायद खुश होंगे क्योंकि बैक टू बैक शोज में आपको देखने मिला, तो इसलिए शायद ये वजह थी कि आप फिर से वापस बतौर पार्वती. या मैं ऑलरेडी मैंने अगर मुझे वापस आना होता तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं छोड़ूंगी फिर वापस आऊंगी. मैं काफी सोच के बहुत टाइम लेके अपनी लाइफ के डिसीजंस लेती हूँ, स्पेशली काम से रिलेटेड. पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं गलत हो जाती हूँ, जल्दबाजी में ले लेती हूँ चीजें, बट प्रोफेशनल लाइफ की जहाँ बात आती है, मैं बहुत सोच के काफी कंसल्ट करके जब तक मैं श्योर नहीं होती, तो मैंने काफी टाइम लिया ये डिसीजन लेने में. आई थिंक लॉकडाउन ने मेरी बहुत हेल्प की बिकॉज एग्जॉस्ट हो चुका था मेरा कैरेक्टर इस शो में, 800 एपिसोड ऑलमोस्ट हो गए थे एंड फिक्शन शो नहीं है, तो यू नो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एक फिक्स स्टोरीज हैं जो लिखी हुई है, उतना सब हो चुका था. एंड बींग अ लीड, एक पार्वती का जो मैं कैरेक्टर कर रही थी, मेरी स्टोरीज एक्चुअली खत्म हो चुकी थी शो में, तो अब पार्वती के पॉइंट ऑफ व्यू से या हो रही थी, या मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ, या मैं सुन रही हूँ, या मैं सुना रही हूँ, तो बेसिकली वो खत्म हो चुका था एंड उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. फिक्शन शो तो है नहीं कि वो रात को बैठ के एक स्टोरी बना देंगे, वही दिखाना पड़ेगा जो किताबों में है, जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है. तो बहुत ही समझदारी, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है कॉन्टिन्यू के साथ, तो बहुत हमने बैठ के काफी डिस्कस किया, उन्हें भी लगा, उन्होंने मुझे काफी बेस्ट विशेस दी एंड डेफिनेटली वो लोग भी चाहते थे कि मैं वापस आऊं, बट सबको ही पता था कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डिसीजन मैं ले चुकी थी एंड मैंने ऑलरेडी काफी चीजें साइन भी कर दी थी एंड मैं अभी डेफिनेटली गॉडेस तो नहीं करना चाहती वापस. टीवी मुझे नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, बट गॉडेस तो डेफिनेटली नॉट राइट नाउ. तो समर आ रहा है, यू नो, तो आकांक्षा किस तरह से ध्यान रखेगी इस समर में खुद का? सी, मैं ऑलरेडी आई थिंक काफी रखती हूँ और मैं काफी लोगों को बोलती भी हूँ, लाइक आपके इंटरव्यू से पहले भी मैं एक पूरा ग्लास वाटरमेलन जूस का पी के आई हूँ, तो यू नो आई कीप लाइक आई बिलीव कि अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब विंटर्स थे तो इट वॉज ऑरेंजेस, अब सीजन चेंज हो गया तो यू नो लाइक सीजनल जूसेस, फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है, लाइक हाइड्रेट मैं बहुत करती हूँ विद कर्ड्स एंड छाछ एंड लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई कीप, समर्स में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अदरवाइज यू नो वो स्किन पे दिखने लगता है, हमें ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, एक्ने आ जाता है, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है. एंड मॉइस्चराइजिंग, लाइक आई टेल एवरीवन, एंड स्पेशली होली आ रही है, तो यू नो होली में काफी लोग कलर्स से खेलने वाले हैं शायद, एंड जितना भी लिमिटेशंस में खेलेंगे, तो आई रियली फील कि अपने आप को मॉइस्चराइज करना और लाइक यू नो हाइड्रेट करते रहना, पानी पीना, फ्लूइड्स पीना, बेसिकली जो भी आपको पसंद है. राइट आकांक्षा, ऑन दैट नोट एक फैंस के लिए मैसेज दीजिए और फिर हम इंटरव्यू खत्म करते हैं. जी, फैंस को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स दैट दे हैव गिवन मी फॉर डेंजरस, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स की मैं ब्लश कर रही हूँ लिटरली, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑलवेज बीइंग माय सपोर्ट, लाइक माय बैकबोन, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरा साथ देते हैं, सो बिग थैंक्स टू देम. एंड गाइस प्लीज स्टे हेल्दी,
और दिस ईयर लेट इट बी अ हेल्दी 2021. सो अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, एंड आई थिंक दैट्स ऑल. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आकांक्षा, एंड आपके आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू मीन्स अ लॉट. थैंक्स. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.